अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास. लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी 11, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम में हमने लास्ट क्लास में सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखे, कैसे आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और लेटेस्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम में वेरियस प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाता है. आइए आज हम प्लांट के ग्रुप्स को स्टडी करना शुरू करते हैं. हम सबसे पहले पढ़ेंगे थैलोफाइटा. थैलोफाइटा जिसमें फंजाई और एल्गी आते हैं, हालांकि फंजाई अब एक सेपरेट किंगडम है जो हम लास्ट चैप्टर में कवर कर चुके हैं. यानी बेसिकली हम बात करेंगे एल्गी की, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे एंड हम बहुत सारी ट्रिक्स के साथ, इवन डायग्राम्स तक मैं आपको ट्रिक्स से लर्न करना बताऊंगी, एनसीईआरटी की टेबल, एनसीईआरटी के डायग्राम्स, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन मिस ना हो. और फिर हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. आइए आज हम स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम एंड दैट इज एल्गी. अब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से जानते हैं कि एल्गी के लिए फाइको वर्ड यूज करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कह सकते हैं बताइए, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी. सो दिस इज कॉल्ड एल्गोलॉजी या मोर कॉमनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है फाइकोलॉजी. अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो फ्रिश नाम के साइंटिस्ट हुए हैं जिन्हें फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहा जाता है. सो यहां पर हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है फादर ऑफ फाइकोलॉजी. फिर हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि इंडिया में एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने बहुत वर्क किया है एल्गी के ऊपर, तो उन्हें दर्जा दिया गया है फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी. सो वर्ल्ड फाइकोलॉजी या सिर्फ फाइकोलॉजी लिखा हो तो हमारा आंसर होगा फ्रिश, फ्रिश. लेकिन अगर पर्टिकुलरली क्वेश्चन आएगा इंडियन फाइकोलॉजी पे तो हमारा आंसर होगा प्रोफेसर अयंगर, अयंगर. मोर कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बट हमें दोनों आने चाहिए. अब एल्गी जब वर्ड हम बोलते हैं तो एल्गी से हम क्या समझते हैं, एक काई, वो हरा हरा सब जो रहता है पूरा. तो एल्गी बेसिकली क्या है, फोटोसिंथेटिक है, तभी तो प्लांट किंगडम में रखा है. इनमें सेल वॉल मिलेगी, इनमें फोटोसिंथेसिस होगा, इनमें क्लोरोफिल मिलेगा, पिगमेंट मिलेगा. और ये थैलोफाइटा को बिलोंग करते हैं, मतलब इनकी बॉडी थैलस लाइक होगी, यानी वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगी इनटू रूट, लीफ एंड स्टेम. तो हम क्या कह सकते हैं एल्गी के बारे में, पहले हम लिखते हैं इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर हम अलग अलग तीनों क्लासेस को कंपेयर करके पढ़ेंगे. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़िए. प्लांट किंगडम में बहुत दिन से बच्चे मुझे बोलते थे मैम प्लांट किंगडम जो है बहुत बोरिंग लगता है. बोरिंग नहीं है, कोशिश करिए उसमें कुछ नया देखने की, इंटरेस्ट के साथ पढ़ने की. तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं कैसी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सिंपल, थैलॉइड टाइप की. तो क्या लिख सकते हैं हम, सिंपल थैलॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं ये, थैलॉइड या थैलस लाइक. और थैलॉइड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू, वैसे प्लांट्स में किस किस में डिफरेंशिएट होती है, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. एक्चुअली थैलोफाइटा जो है उसमें एल्गी और फंजाई दोनों आते हैं. फंजाई हम पढ़ चुके हैं प्लांट किंगडम में, थैलोफाइटा में यही आएगा. सो सिंपल थैलॉइड बॉडी है, यानी हम क्या कह सकते हैं ये क्या है, थैलोफाइटा या थैलोफाइट. इनके लिए एक और टर्म यूज किया जाता है कॉर्मोफाइट. कॉर्मोफाइट मतलब जिसकी बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड है रूट, स्टेम, लीफ में, इसकी नहीं है तो इसे हम और क्या कह सकते हैं, नॉन कॉर्मोफाइट या कॉर्मोफाइटा. क्लियर हुआ. अब हमें पता है, हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि इनमें सीड्स नहीं बनती हैं, तभी हमने इन्हें क्रिप्टोगैम्स में क्लासिफाई किया था, जिसके जो सेक्स ऑर्गन्स है क्रिप्टो मींस हिडन थे. तो यहां पर मैं उन्हीं पॉइंट्स को एक बार लिख देती हूं कि ये किसको बिलोंग करते हैं, क्रिप्टोगैम्स,
क्रिप्टोगैम्स मतलब सीड नहीं बनेगी, तो और क्या कह सकते हैं, नॉन स्पर्मेटोफाइट्स। याद है आपको सीड्स किस में मिलेंगी, जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स में, वो स्पर्मेटोफाइट्स हैं। बाकी एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, सारे के सारे क्रिप्टोगैम्स या नॉन स्पर्मेटोफाइट्स हैं, यानी कि इनमें सीड्स नहीं बनेंगी, नो सीड्स या सीड्स एब्सेंट, राइट। तो ये पॉइंट हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बात और हमने समझी थी कि जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, यानी जाइलम फ्लोयम, वो भी इनमें एब्सेंट होते हैं। इनफैक्ट वस्कुलर टिश्यूज कहाँ से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, टेरिडोफाइट से। यानी कि अगर हम नॉन स्पर्मेटोफाइट या क्रिप्टोगैम्स की बात करें, इसमें एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट तीनों आते हैं, लेकिन उनमें से एल्गी और ब्रायोफाइट्स में वस्कुलर टिश्यू नहीं होते, टेरिडोफाइट में होते हैं। तो हम इसका नेक्स्ट पॉइंट और क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कि इसमें वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट यानी जाइलम फ्लोएम। और अगर वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, यानी इन्हें हम क्या कह सकते हैं, नॉन ट्रेकियोफाइट्स। इवन ब्रायोफाइट्स भी इसी कैटेगरी के हैं, नॉन ट्रेकियोफाइट्स हैं, राइट। अब एल्गी प्लांट किंगडम में रखा गया है क्योंकि ये खाना खुद बना सकता है, फोटोसिंथेटिक होता है, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो पैरासिटिक हैं। सो इसका थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, दे आर ऑटोट्रॉफिक। और एनसीईआरटी में इस बात को कैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन ही लिखी है, क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रॉफिक सिंपल थैलॉइड ऑर्गेनिजम्स। सो ऑटोट्रॉफिक मीन्स दे आर क्लोरोफिल बियरिंग, यानी इनमें क्लोरोफिल मिलेगा। कौन से एल्गी में कौन सा क्लोरोफिल मिलेगा वो हम एक ट्रिक से लर्न करेंगे ताकि आप कभी नहीं भूलें, बट हाँ ये ऑटोट्रॉफिक है, यानी अपना खाना खुद बना सकते हैं। सो कैसे खुद बनाते हैं, कीमोसिंथेसिस से नहीं, फोटोसिंथेसिस से। सो दे आर फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉफिक में भी कौन से वाले हैं, फोटोसिंथेटिक, याद है, वरना बैक्टीरिया में कीमोसिंथेसिस भी हो रहा था केमिकल एनर्जी यूज करके, पर ये सनलाइट ही यूज करते हैं। अब ये मिलते कहां पर है, हम जब भी ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए वो कहां मिलते हैं, यानी उनका हैबिटेट। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था फंजाई जो है वो भी थैलोफाइट्स हैं, वो लैंड और वाटर दोनों पे मिल रहे थे, पर मैंने वहां बताया था कि दे आर फाउंड मोर ऑन लैंड। यहां पर ये टेरेस्ट्रियल हैं, लैंड पे मिल सकते हैं, बट मोर इन वाटर, प्राइमरली एक्वाटिक हैं ये, प्राइमरली मोस्टली। और जब हम बोलते हैं कि ये वाटर में रहते हैं, एक्वाटिक हैं, इसका मतलब है कि कौन से पानी में रहते हैं, ये अगला क्वेश्चन आएगा। तो कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, जो खारा पानी नहीं है जैसे रिवर, पॉन्ड, लेक, और कुछ जो है वो मेरीन वाटर में मिल सकते हैं जैसे ओशियन, सी। और स्टूडेंट्स टेबल में एक वर्ड आएगा ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर में का मतलब होता है इनके बीच का, जो थोड़ा खारा है, बहुत खारा नहीं है। एक्चुअली नदी, रिवर तो फ्रेश वाटर हो गई, समुद्र मेरीन वाटर हो गया, पर जब नदी समुद्र में मिलती है वहां जो पानी होता है जो ना पूरा फ्रेश है ना इतना ज्यादा सॉल्टी, उसे ब्रैकिश वाटर कहते हैं। तो ये किसी भी तरह के वाटर में मिल सकते हैं। इसके अलावा ये या तो फ्री लिविंग है लैंड पे वाटर में, या ये एसोसिएशंस भी शो करते हैं, कुछ एल्गी एसोसिएशंस। अब आप कहोगे मैम एसोसिएशंस कैसे, तो मैं आपसे कहूंगी अरे लास्ट चैप्टर में ही तो पढ़ा है लाइकन्स। लाइकन्स क्या था, फंगस और एल्गी की एसोसिएशन। सो दे कैन शो एसोसिएशंस विथ फंजाई, और अगर फंजाई के साथ इसकी एसोसिएशन है तो उसे कहते हैं नोन एज लाइकन्स, जिसकी पूरी डिटेल्स हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे फंगल पार्टनर याद है आपको, प्रोटेक्शन देगा, शेल्टर देगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करेगा, और एल्गी उसको खाना बनाकर देगा फोटोसिंथेसिस करके। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ एल्गी होते हैं जो एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन होती है, सो एसोसिएशन विथ फंजाई एंड विथ एनिमल्स। एनिमल्स मतलब जैसे एक भालू है, स्लॉथ बियर, उसकी जो बॉडी है वो हरे रंग की दिखती है, ग्रीन कलर की। तो अब ऐसा नहीं है कि वो भालू जाकर अपने पे कलर करवा के आया है, उसकी पूरी फर पर ये एल्गी, ग्रीन एल्गा रहता है,
उस कारण से वो ग्रीनिश कलर का हो जाता है। सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखते हैं और ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए, स्लॉथ बियर, सब एनसीईआरटी की लाइन है, क्योंकि तो टेरेस्ट्रियल लैंड पे भी मिल सकते हैं बट प्राइमरली एक्वाटिक है मैक्सिमम, बाकी फंगस के साथ एसोसिएट होके रह सकते हैं एज लाइकन्स एंड एनिमल्स के साथ भी रह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल विथ स्लॉथ बियर। सो दिस इज अबाउट द हैबिटेट। नाउ हम जब भी कोई ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं तो हैबिटेट के बाद हमने हैबिटेट देख लिया, ये उसका न्यूट्रिशन देख लिया हमने, बेसिकली न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन कैसे करेगा भाई, नेचुरली ये चाहे यूनिसेल्युलर एल्गी हो चाहे मल्टीसेल्युलर हो, यूकैरियोट्स हैं, ये प्लांट किंगडम है, यूकैरियोट्स हैं, तो इन सब में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, साइटोप्लाज्म होगा, तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल, वो सारी कहानी सेम रहेगी। इन सब में राइबोसोम्स मिलेंगे जहां पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, तो वो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अब इनके फॉर्म और साइजेस की बात करते हैं और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक ट्रिक से भी आपको याद कराऊंगी। एल्गी जो होते हैं स्टूडेंट्स, अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कह रही हूँ अगले 5 मिनट तक, कुछ एल्गी यूनिसेल्युलर भी हैं यानी सिंगल सेल्ड एल्गा। अब देखो एल्गी प्लांट किंगडम का मेंबर है और प्लांट किंगडम में यूकैरियोट्स आते हैं, और अगर ये सिंगल सेल्ड एल्गी है यानी ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोट हो गया, और सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को तो हमने पढ़ा है प्रोटिस्टा में रखते हैं, तो एक्चुअली कायदे से जो यूनिसेल्युलर एल्गी हैं जैसे क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, स्पाइरियोलिना, वो सब को कहाँ क्लासिफाई करना चाहिए टेक्निकली हमें, प्रोटेस्टा में। तो एनसीईआरटी में पहले इनके बारे में क्या लिखा था, जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ एक लाइन लिखी थी कि यूनिसेल्युलर एल्गी लाइक क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, नाउ दे आर ग्रुप्ड अंडर प्रोटेस्टा बिकॉज दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। लेकिन जब प्लांट किंगडम में एल्गी पढ़ते थे तो वहाँ बाकायदा उनके एग्जाम्पल्स भी थे और उनके डायग्राम्स भी थे। अब एनसीईआरटी में क्या किया गया है, मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी, डायग्राम चेंज कर दिया है, क्लमाइडोमोनास का डायग्राम हटा दिया एनसीईआरटी से क्योंकि उसे प्रोटेस्टा में माना जाता है। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन लिखा है एनसीईआरटी में, वहां पर जब ग्रीन एल्गा पढ़ते हैं तो उसमें वो यूनिसेल्युलर में क्लमाइडोमोनास का एग्जाम्पल दिया हुआ है, हालांकि एक और डिस्क्रिप्शन है मैं आपको बाद में बताऊंगी वहां से हटा दिया है जहां गैमिट्स की बात की गई है, तो कहीं हटा दिया है कहीं रखा है। तो हम अभी क्लमाइडोमोनास को पढ़ेंगे एल्गी में, अच्छे से पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन आएगा कि वो कहां ग्रुप होता है तो एक्चुअली अगर प्रोटेस्टा उसमें आंसर है, ऑप्शन है, तो हम प्रोटेस्टा लगाएंगे। इज इट क्लियर, क्योंकि वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं। तो एल्गी जो है वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं सिंगल सिंगल सेल के, जैसे क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, और एल्गी जो है स्टूडेंट्स वो 100 मीटर तक भी हो सकते हैं, ये 100 नहीं है, 100 मीटर बहुत सारा होता है, 100 मीटर्स के डायमेंशन वाले भी हो सकते हैं, यानी कि वेरिएबल साइजेस एंड फॉर्म्स में ये मिलते हैं, वेरिएबल साइज में, सिंगल सेल्ड, माइक्रोस्कोपिक से लेकर और 100 मीटर्स तक के हो सकते हैं। फॉर्म्स की बात करें तो कुछ एल्गा जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड हैं, कुछ हैं वो फिलामेंट के फॉर्म में, फिलामेंट मतलब बहुत सारे सेल्स जुड़ गए, अभी बना के दिखाऊंगी, तो एक फिलामेंट बन गया, वो अनब्रांच्ड हो सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है। कुछ एल्गा जो है वो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के हो सकते हैं। तो अगर हम इसकी साइजेस एंड फॉर्म्स की बात करें, सो दे आर वेरिएबल और वेरियस, बहुत सारे तरह के साइजेस एंड फॉर्म्स मिल सकते हैं। अब मैं यहां पर क्लमाइडोमोनास का एग्जाम्पल लिख रही हूं क्योंकि एनसीईआरटी में इस जगह से इसको नहीं हटाया गया है, इसीलिए देखिए सबसे पहले यूनिसेल्यूलर, हम एक ट्रिक से सब कुछ याद कर लेंगे, यूनिसेल्यूलर सिंगल सेल्ड एल्गी, हालांकि नाउ दे आर पुट इन प्रोटेस्टा। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं जो रटे होने चाहिए, एक है क्लमाइडोमोनास, ये स्टूडेंट्स मोटाइल होता है, और जब भी मैं मोटाइल लिखूं मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, फ्लैजिलेटेड है, और दूसरा क्लोरेला, क्लोरेला दोनों ग्रीन एल्गा होते हैं, लेकिन क्लोरेला जो है ये नॉन मोटाइल है यानी इसमें फ्लैजिला नहीं मिलता है। अभी हम एक ट्रिक से याद कर लेंगे। कुछ एल्गी जो हैं वो फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं, फिलामेंटस, हम उसके डायग्राम्स भी बनाएंगे,
कई सारे सेल्स ने मिलकर एक एल्गी बनाया है। यहां पे हमें दो एग्जांपल्स रटे होने चाहिए, स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। कुछ एल्गी जो हैं वो कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, तो उस फॉर्म को हम कहेंगे कोलोनियल फॉर्म। इसका टिपिकल एग्जाम्पल है, रटा होना चाहिए, अभी रट भी जाएगा आपको एग्जाम्पल से, ट्रिक से, वॉल्वॉक्स। और कुछ जो है वो बहुत बड़ी बड़ी 80-100 meter तक की बॉडी बना सकते हैं, यानी मैसिव प्लांट बॉडीज। स्टूडेंट्स, प्लांट किंगडम के ही पार्ट है, प्लांट बॉडीज ही, हम तो पेड़ से क्या समझते हैं, वो रूट, स्टेम, लीव्स याद आ जाती है। सो मैसिव प्लांट बॉडीज, और इनमें आते हैं केल्प्स। हम पढ़ेंगे, ब्राउन एल्गी हैं ये, लार्जेस्ट एल्गी हैं, बड़े बड़े केल्प के नाम लिख रही हूं मैं। एक है मैक्रोसिस्टिस, और भी कई सारे स्टूडेंट्स, लैमिनेरिया हम पढ़ेंगे, ससार्गम, ये सारे, बट ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लियरली। अब इसको याद कैसे करें, फिर हम इसके डायग्राम्स भी देखेंगे, डायग्राम्स भी ट्रिक से याद कराऊंगी। तो इसके लिए हम एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक बना लेते हैं फॉर्म्स और साइजेस के लिए। कैसे ट्रिक बनाएंगे हम, ट्रिक ये बनाएंगे, आजकल हर चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, SMS, WhatsApp लैंग्वेज जो होती है, कैसे लिखते हैं, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन को कॉन्ग्स लिख देते हैं, ऐसे ही अगर मुझे बोलना है यू सी अपन बोलते ना, यू सी मैं वहाँ गया था। सो यू सी मैं कल US फिल्म में CV देने गई थी, अपना US की जो फिल्म इंडस्ट्री है हॉलीवुड में, वहाँ पर मैं अपना CV देने गया था। बस यही हमारी ट्रिक है। सो यू सी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यू सी कल मैं US फिल्म में क्या देने गई थी, बताइए, CV देकर आई या देने गई। बस ये एक सेंटेंस याद रखना है, सब रट जाएगा। देखिए, यू सी का मतलब, यहां पर C2 है, यू मतलब यूनिसेल्यूलर, कौन से है यूनिसेल्यूलर, सी मतलब क्लमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, हो गए दो सी, यूसी। नाउ कल में केल्प होते हैं, मैसिव प्लांट बॉडी, सो केल्प मैसिव प्लांट बॉडी, साइज है इसका बहुत ह्यूज, अप टू 100 meter मैं लिख देती हूं, 100 meter बहुत बड़ा होता है। US फिल्म में, US means यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा है फिलामेंटस, सो यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, और ये दोनों फिल्म means ये दोनों हैं फिलामेंटस, फिलामेंट की तरह हैं, थ्रेड की तरह। और CV का मतलब कॉलोनियल फॉर्म है वॉल्वॉक्स, सो कॉलोनियल इज वॉल्वॉक्स। इनमें से ये मैं लिख देती हूं, वैसे अभी थोड़ी देर में एक ट्रिक से हम लर्न कर लेंगे, ये ब्राउन एल्गी है, और बाकी ये जितने भी हैं दे ऑल आर ग्रीन एल्गा, और ये जो दोनों अब है यूनिसेल्यूलर, दे आर नाउ इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा किंगडम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्लीज नोट दिस। तो हमने ग्रीन एल्गा में देखा, उनका न्यूट्रिशन देखा, रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया से होगा, प्रोटीन सिंथेसिस वही राइबोसोम से होगा, मोस्टली मेनली ये एक्वाटिक होते हैं, क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, सिंपल थैलॉइड बॉडी होती है, वेरियस शेप्स एंड फॉर्म्स में, साइजेस एंड फॉर्म्स में होते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इनमें आखिर रिप्रोडक्शन कैसे होगा। रिप्रोडक्शन तीन तरह का हमने पढ़ा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम एक ऑलरेडी अपना बेस बना चुके हैं। रिप्रोडक्शन कैन बी वेजिटेटिव, इट कैन बी एसेक्सुअल, और इट कैन बी सेक्सुअल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल हमेशा स्पोर्स के थ्रू होता है, हम जानते हैं, लेकिन सेक्सुअल में मियोसिस होता है, गैमीट्स बनते हैं और उनका फ्यूजन होता है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। सो अब मैं 6th point लिखती हूँ, रिप्रोडक्शन इन एल्गा, और इस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आता है जिसको हम लर्न कर लेंगे एक ट्रिक से, हालांकि हम कुछ लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे तब हम रिप्रोडक्शन को और अच्छे से समझेंगे आगे। अब रिप्रोडक्शन में तीन तरह का रिप्रोडक्शन है, फर्स्ट इज वेजिटेटिव,
कोई भी एल्गी हो, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, अभी हम पढ़ेंगे, सब में जो फ्रेगमेंटेशन है दैट अकर्स, सॉरी वेजिटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है दैट अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, मतलब एक पीस टूटेगा टुकड़ा और वो फ्रैगमेंट जो है दैट डेवलप्स इंटू थैलस, न्यू थैलस, मतलब न्यू बॉडी बना लेगा, वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा. नाउ एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसको ध्यान से समझिएगा. अगर फेवरेबल कंडीशंस हैं, राइट, अगर फेवरेबल कंडीशंस हैं तो मोटाइल स्पोर्स बनते हैं जिन्हें जू स्पोर्स कहते हैं, जू स्पोर्स. दिस हैपन्स इन फेवरेबल कंडीशंस. कैसे, वो हम पढ़ेंगे आगे, मतलब खाना पीना, वेदर, टेम्परेचर, सब कुछ कंफर्टेबल है. जू से नाम से ही समझ में आ रहा है ये मोटाइल स्पोर्स हैं. हालांकि स्टूडेंट्स, रेड एल्गी में कभी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं बनता, वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नॉन मोटाइल से होता है, वो हम अलग से लिखेंगे. बट एक जनरल बात करें तो ये मोटाइल जू स्पोर्स बनेंगे और फिर ये जू स्पोर्स जो हैं ये जर्मिनेट कर जाएंगे, जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू थैलस. ठीक है, ये नया एल्गी बना देंगे. सिंपल. अब अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, मान लीजिए खाने की कमी है, पानी की कमी है, टेम्परेचर सही नहीं है, इस समय पर अभी अगर जू स्पोर्स बने तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, तो वहां पर तीन तरह के स्पोर्स बन सकते हैं, समझिएगा. पहला जिसे कहते हैं ए प्लानोस्पोर्स. हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, प्लानोस्पोर्स का मतलब क्या होता है, मोटाइल स्पोर्स. ये प्लानोस्पोर्स हैं. ए प्लानो मतलब नॉन मोटाइल होंगे ये, लेट मी राइट, सारे ही नॉन मोटाइल हैं, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं. ए प्लानोस्पोर्स, ए प्लानोस्पोर्स का मतलब क्या होगा, जैसे सपोज ये कोई एक एल्गी है, इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और बहुत सारे, ये हो गए ये न्यूक्लियस, ये डिविजन हो गया अंदर, और अब इसके चारों तरफ एक थिन वॉल बन जाएगी ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस को ये विथस्टैंड कर सके, रेजिस्ट कर सके, और जब अनफेवरेबल कंडीशंस फेवरेबल कंडीशंस में कन्वर्ट होंगी तब ये वॉल ब्रेक होगी और ये हर एक जो स्पोर है वो न्यू थैलस में जर्मिनेट हो जाएगा. सो यहां पर जो रहती है वो रहती है थिन वॉल, थिन वॉल्ड. एक और तरह के स्पोर्स बन सकते हैं स्टूडेंट्स जिन्हें बोलते हैं ए काइनीट. याद है आपको, हमने और कहां पढ़ा था, साइनोबैक्टीरिया में भी पढ़ा था. इसमें भी ऐसे ही कई सारे स्पोर्स बने, लेकिन उन्होंने जर्मिनेट नहीं किया जू स्पोर की तरह, उनके चारों तरफ एक थिक वॉल सिक्रीट हो गई. सो बिल्कुल ए प्लानोस्पोर की तरह है, ये भी नॉन मोटाइल है बट ये थिक वॉल्ड है, थोड़ा सा डिफरेंस है. और बढ़िया अनफेवरेबल कंडीशन को ये जो है झेल सकते हैं. और तीसरा हिप्नोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स जो है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल एक आइनीट की तरह ही हैं, लाइक दिस, लेकिन इनके चारों तरफ जो वॉल बनेगी वो मोटी ही बनेगी पर रेड कलर की बनेगी. दिस इज इंटरेस्टिंग, थिक रेड वॉल. और रेड क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि इनमें पिगमेंट आ जाता है जिसे हिमाटोक्रोम कहते हैं, ड्यू टू हिमाटोक्रोम. क्रोम मतलब कलर, हिमाटो मींस रेड, हीम हीमोग्लोबिन बोलते हैं जैसे, इसके कारण से. और कभी कभी स्टूडेंट्स, हालांकि जनरली बुक्स में ये तीन ही दिए होते हैं, एक और स्टेज भी बन सकती है जिसे पामेला स्टेज बोलते हैं. आपको बस पता होना चाहिए कि ये एल्गी में मिलती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम. इसमें भी ऐसे ही होता है, ये स्पोर्स बनेंगे और वॉल नहीं बनती, एक चिपचिपी सी म्यूसिलेज शीथ कवर हो जाती है. ये एक्चुअली ना पूरी अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम नहीं बनती है, मेन अनफेवरेबल में तो ये तीनों बनते हैं. जब सेमी अनफेवरेबल है, कुछ फैक्टर्स फेवरेबल है कुछ अनफेवरेबल है, उतनी ज्यादा वॉल की जरूरत नहीं है, तो यहां पर ये म्यूसिलेज चिपचिपी शीथ बन जाती है जो प्रोटेक्शन देती है थोड़ा सा. बट ये सब मिलते हैं और ये सारे नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं, पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. जैसे ही फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होगी फिर ये स्पोर्स जर्मिनेट कर और न्यू थैलस को फॉर्म कर लेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टाइप
विच इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी. इसकी डिटेल्स आइए हम यहां लिख लेते हैं. सो नाउ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, हम जनरल बात कर रहे हैं स्टूडेंट. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है गैमीट फॉर्म होंगे, यहां पे गैमीट फॉर्मेशन होगा और फिर वो गैमीट्स जो है वो आपस में फ्यूज करेंगे, राइट. सो देयर विल बी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जिससे जाइगोट बनेगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन हमारे में क्या होता है, दो गैमीट फ्यूज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से अडल्ट न्यू बॉडी बनती है, यहां एम्ब्रियो नहीं बनता. सो प्लीज नोट दैट एल्गी जो है वो नॉन एम्ब्रियो फाइट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एम्ब्रियो नहीं बनता, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो नहीं बनता है. लेट मी राइट हियर, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन. सो ये नॉन कॉर्मोफाइट्स हैं क्योंकि इनकी थैलस लाइक बॉडी है, नॉन स्पर्मेटोफाइट्स हैं क्योंकि सीड्स नहीं बनती हैं, क्रिप्टोगैम है, नॉन ट्रेकियोफाइट्स हैं क्योंकि वस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है, और नॉन एम्ब्रियोफाइट्स हैं क्योंकि एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी नहीं होता. अब हमने लास्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो तीन तरह का हो सकता है. सो इट कुड बी ऑफ थ्री टाइप्स, टू एंड थ्री. किसको याद है कौन कौन सा? अगर जो दोनों गैमीट्स हैं जो फ्यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, जुड़वा हैं, मेल फीमेल पता ही नहीं कर सकते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं, वरुण धवन जुड़वा का या सीता गीता जैसा, राम और श्याम जैसा, तो हम उसे क्या कहते हैं, आइसो मीन सेम, आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसका मतलब जो गैमीट्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं दिखने में, गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली एग्जैक्टली सिमिलर, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है, या तो दोनों मोटाइल हैं, दोनों इमोटाइल हैं, जो भी है बट बिल्कुल सेम है. अगर एक गैमीट और दूसरा गैमीट अलग अलग दिखते हैं, कोई एक बड़ा कोई एक छोटा, दोनों मोटाइल या दोनों नॉन मोटाइल, पर कोई बड़ा कोई छोटा, यानी कि डिससिमिलर मॉर्फोलॉजी, डिससिमिलर मॉर्फोलॉजी. हम लास्ट चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो उसे एन आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. और वही मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हमारी तरह एक गैमीट बड़ा और नॉन मोटाइल है, फीमेल गैमीट जो है वो लार्ज एंड नॉन मोटाइल है, और मेल गैमीट हमारे स्पर्म की तरह छोटा है, स्मॉल है और मोटाइल है, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ओगैमस. तो एल्गी में सभी तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल सकता है, यानी जो फ्यूजिंग गैमीट्स हैं वो आइसोगैमीट्स हो सकते हैं, एनाइसोगैमीट्स हो सकते हैं, या ओगैमीट्स हो सकते हैं. अब यहां इनके एग्जांपल्स लर्न करने हैं, और ये एनसीईआरटी में एक अपडेशन किया गया है. पहले आइसोगैमस के अंडर जो एग्जांपल्स दिए हुए थे वो क्लमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा दिया हुआ था. अब स्पाइरोगायरा तो है लेकिन क्लमाइडोमोनास हटा दिया गया है, कंसिडरिंग कि वो प्रोटेस्टा में आता है. अब यहां पर स्पाइरोगायरा लिख दिया है. पहले एनाइसोगैमस में भी क्लमाइडोमोनास ही दिया हुआ था, क्योंकि कुछ स्पीशीज जो है क्लमाइडोमोनास की उसमें इस तरह के गैमीट्स बनते हैं. अब वो भी हटा के यूडोरिना, एक और अलग ग्रीन एल्गा का नाम इंक्लूड कर दिया गया है. ये सेम रखा गया है, फ्यूकस और वॉल्वॉक्स, ये सेम रखा गया है ओगैमस के जो एग्जांपल्स हैं. तो आइए इनके एग्जांपल्स को हम एक सिंपल सी ट्रिक से लर्न कर लेते हैं. सो नाउ लेट्स लर्न इट विद अ ट्रिक. नाउ हमारी ट्रिक जो होगी स्टूडेंट्स वो बड़ी सिंपल सी है. मैं एक बार देखती हूँ ट्रिक क्या है. ट्रिक बहुत सिंपल है. यहां पर आपको रिप्रोडक्शन करवाना है, गैमीट्स का फ्यूजन करवाना है. फ्यूजन मतलब किसी चीज़ को जोड़ना. मान लीजिए कि मेरा रुमाल फट गया और मैं आपको दूँ, तो आप कैसे जोड़ोगे बताइए, सुई धागे से? या अगर कागज़ फट गया और मैं आपको दूँ तो कैसे जोड़ेंगे, फेविकॉल से? तो बस यही हमारी ट्रिक है, याद रखना बड़ा आसान है. ये ट्रिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स की, बहुत सिंपल है याद करना. रिप्रोडक्शन है यानी फ्यूजन करना है, उसके लिए हमें सुई चाहिए और हमें फेविकॉल चाहिए. सो लेट मी राइट द ट्रिक नाउ. सुई और सुई और
धागा नहीं, फेविकॉल। देखिए मैंने स्पेलिंग कैसे लिखी है, फेविकॉल। चलिए लिखें एग्जांपल्स। ये तो सेम है एनसीईआरटी में इस साल भी, यानी ऊ गैमस के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? ऊ गैमस यानी जिनमें ऊ गैमीट्स बनते हैं, दो एग्जांपल्स हमें लिखने हैं। एक वो कॉलोनियल वाला वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गा है, और एक फ्यूकस, ये एक रेड एल्गा है। दिस इज अ रेड, मैं लिख देती हूँ रेड एल्गा है, ये ग्रीन एल्गा है अभी के लिए, वैसे आपको याद हो जाएगा चैप्टर में। ये यहाँ पर चेंज किया गया है, स्पायरोगाया एज इट इज रखा है, लेकिन क्लमाइडोमोनास की जगह यूलोथ्रिक्स कर दिया, और ये है आइसोगैमस। तो आइए हम इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं, स्पायरोगायरा, देन यू से है यूलोथ्रिक्स, पहले क्लमाइडोमोनास लिखा था, मैं बार बार बोल रही हूं, इसके जो गैमीट्स हैं आइसोगैमस हैं दोनों। आइसोगैमस का मतलब बिल्कुल सिमिलर होंगे, आइसोगैमस मतलब गैमीट्स कैसे हैं, सिमिलर हैं, और स्टूडेंट्स नॉन मोटाइल होते हैं एंड नॉन मोटाइल, दोनों नॉन मोटाइल हैं गैमीट्स। जबकि क्लमाइडोमोनास जो पहले दिया हुआ था, या यूलोथ्रिक्स जो अब दिया हुआ है, इसके भी सिमिलर हैं, आइसोगैमस है, लेकिन दोनों गैमीट्स जो हैं वो मोटाइल गैमीट्स हैं। बिल्कुल अच्छे से रट लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ए का मतलब है एन आइसोगैमस कंडीशन, यानी कि दोनों गैमीट्स डिससिमिलर हैं। पहले एग्जाम्पल क्लमाइडोमोनास ही लिखा था, कुछ स्पीशीज आइसोगैमस कुछ स्पीशीज, बट ये यू और यू यूलोथ्रिक्स नहीं है, ये है इसका एग्जाम्पल यूडोरिना, ये भी एक ग्रीन एल्गा है, ये दोनों भी ग्रीन एल्गा है स्टूडेंट्स, ये भी ग्रीन एल्गा है। इसकी स्पेलिंग कई बार ऐसी भी लिख देते हैं, यूडोरिना, तो आपको आना चाहिए। जैसे यू कैरियोट्स की भी तो ई यू करके लिखते हैं। सो सुई और धागा, सुई और फेविकॉल यानी आइसोगैमस दोनों सिमिलर हैं स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स में, बट यहाँ पर दोनों नॉन मोटाइल हैं, यहाँ पर दोनों मोटाइल हैं। एन आइसोगैमस है यूडोरिना में, और फ्यूकस और वॉल्वॉक्स में ऊ गैमस है। इनमें से हमने देख लिया है कि स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स दोनों फिलामेंटस कैटेगरी में भी हमने लिखे थे, वॉल्वॉक्स हमने कॉलोनियल में लिखा था, राइट? सो यू कैन नोट दिस ट्रिक एंड देन वी विल मूव ऑन। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि किन बेसिस पर हमने एल्गी को क्लासिफाई किया है और कौन सी क्लासेस में क्लासिफाई किया है। हालांकि मैंने कई बार बोल दिया है ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा एंड रेड एल्गी। तो आइए अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस बेसिस पर किया है। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है ग्रीन ब्राउन रेड, मतलब जरूर एक बेसिस तो क्या है कि इनमें पिगमेंट कौन सा है। सो फर्स्ट बेसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पिगमेंट का टाइप कौन सा है, किसमें ग्रीन वाला ज्यादा है, रेड ज्यादा है, ब्राउन ज्यादा है, कौन से पिगमेंट से हम पढ़ेंगे। बट इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ और बेसिस भी कंसिडर करें हैं, मैं कंपेयर करके तीनों को पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे सेल वॉल तीनों में थोड़ी सी अलग अलग मिलेगी, हालांकि सभी प्लांट किंगडम में है तो सब में सेल्यूलोज तो मिलेगा ही मिलेगा, बट कुछ और डिफरेंसेस भी होंगे। फ्लैजिलेशन, जो फ्लैजिला हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, और सभी फोटोसिंथेटिक होंगे, सभी खाना खुद बनाएंगे, लेकिन जो रिजर्व करेंगे खाने को यानी रिजर्व मटेरियल या रिजर्व फूड का फॉर्म होगा वो अलग अलग होगा। सो ये कुछ बेसिस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस, बट ये भी सब में अलग अलग होगा, और इसी की पूरी एक टेबल बनी हुई है। वो टेबल हम एक ट्रिक से लर्न करेंगे ताकि हम कभी क्वेश्चन गलत नहीं करें, फुटबॉल प्लेयर से याद करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं, पहले मैं आपको तीनों पढ़ाऊंगी उसके बाद हम फिर से इस टेबल को बनाएंगे। चलिए अब इसकी तीन क्लासेस की बात करते हैं। पहली क्लास है ग्रीन एल्गी की, ग्रीन एल्गी, और ग्रीन के लिए हम जानते हैं हम क्या वर्ड यूज करते हैं, क्लोरो, तो इसका नाम हो गया क्लोरो, और फाइको वर्ड यूज करते हैं एल्गी के लिए, सो क्लोरो फाइसी। स्पेलिंग देखो कैसे लिखते हैं, फाइसी, सी जब भी लिखते हैं ना तो सी ई ए ई ऐसा लिखते हैं। इसे क्लोरोफाइटा भी बोल सकते हैं क्योंकि प्लांट किंगडम में तो फाइट जो है वो प्लांट के लिए यूज करते हैं, तो क्लोरोफाइटा।
सेकेंड जो है वो है, हमेशा हम इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से रिमेम्बरेंस रहे पॉइंट्स की भी, ब्राउन एल्गी। और ब्राउन जो है उसके लिए हम फियो वर्ड यूज करते हैं, सो ये हो जाएगा फियो फाइसी। फाइसी कॉमन है, फियो फाइसी। और रेड के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स बताइए, रोडो। रेड के लिए रोडो वर्ड यूज करते हैं, आर से रेड, आर से रोडो, तो ये बन गया रोडो फाइसी। फाइसी। अब जैसा मैंने पहले भी किया था जब मैंने फंजाई पढ़ाया था, मैंने आपको पहले ही सभी क्लासेस के एग्जांपल्स लिखवा दिए थे ताकि बार बार जब वो आए तो आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। मैं आज भी वही करने वाली हूँ, हम एक ट्रिक से इन तीनों के एग्जांपल्स को लिख लेते हैं और फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। प्लीज नोट दिस। आइए स्टूडेंट्स इन तीनों के एग्जाम्पल्स लर्न करते हैं। आप में से जो भी फुटबॉल का फैन है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम नहीं सुना हो। पूरा नाम नहीं भी सुना होगा तो जो फुटबॉल के फैंस नहीं भी, उन्हें रोनाल्डो का नाम तो सुना होगा। और रोनाल्डो कौन सी कंट्री का था? पुर्तगाल, यानी पोर्चुगीज फुटबॉल प्लेयर था। बस उसी उन्हीं रोनाल्डो जी की हेल्प लेकर हम इसके एग्जाम्पल्स याद करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी क्लास वाइज। तो मैं पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम लिखती हूँ, ओ यहाँ ऐसे लिख देती हूँ क्रिस्टियानो, ठीक है रोनाल्डो। और वो कहाँ के थे? वो अपनी कंट्री को बहुत इज्जत देते थे तो वो अपने नाम के बीच में कंट्री का नाम लगाते थे, यानी पोर्चुगीज, यानी पोर्चुगल के थे। तो आइए इससे हम पहले क्लासेस लिख लेते हैं। क्रिस्टियानो मतलब क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स हम पहले पढ़ेंगे। देन फाइको, फियोफाइसी। फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी, तो ये पोर्चुगल हो गया। और फिर अब आप समझ ही गए होंगे, आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो, रोडोफाइसी, ठीक है। चलिए अब ट्रिक बड़ी आसान है। ट्रिक ये है स्टूडेंट्स की यूएस में जो कॉलेजेस हैं वो बहुत है, वेरी क्लीन कॉलेजेस, क्या सड़कें ही बहुत क्लीन है, बिल्कुल एक कचरा भी नहीं होता है जब आप वहाँ जाओगे तो। सो यूएस के कॉलेजेस बहुत क्लीन है, तो नेचुरली मैं जब वहाँ पर पढ़ने गई तो मैंने सेल्फी ली, एक नहीं दो दो सेल्फी ली। और सेल्फी लेकर ऐसा नहीं मैं मस्ती मार के आ गई, कॉलेज में गई थी तो मैंने वहाँ बाकायदा दो पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन अपने कंप्लीट किए। बस यही हमारी ट्रिक है, आइए इसको डिकोड करते हैं। सो यूएस कॉलेजेस वेरी क्लीन, वेरी क्लीन। और जब मैं वहां गई तो मैंने क्या किया, दो सेल्फीज ली, दो सेल्फीज ली। और ऐसे ही वापस नहीं आई थी, मैंने क्या किया है, पीजी की है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और कितनी बार, दो पोस्ट ग्रेड की डिग्री ली है अपनी। सो पीजी टू, टू पूरा होल टू यानी पी टू यू टू जी टू ऐसा लिख देती हूँ, राइट, पीजी करी या पीजी की। आइए सभी एग्जाम्पल्स को लर्न करते हैं। सो यू से अब आप समझ ही गए होंगे, बताइए मैं किसका नाम लेना चाहूंगी, यूलोथ्रेक्स, जो फिलामेंटस है जिसमें आइसोगैमीट्स मिलते हैं, दोनों जगह इसका नाम पढ़ा है हमने, सिमिलर एंड मोटाइल आइसोगैमीट्स। एस से किसको याद आ रहा है, बिल्कुल सही याद आ रहा है, स्पायरोगायरा, ये भी फिलामेंटस में हमने एक जगह लिखा है और एक जगह आइसोगैमीट्स हैं बट नॉन मोटाइल हैं। सी से क्लमाइडोमोनास, अब यही तो मैं कह रही थी आपसे कि वैसे तो क्लमाइडोमोनास यूनिसेल्यूलर है इसीलिए उसको प्रोटेस्टा में क्लासिफाई कर दिया है, बट अभी भी एनसीईआरटी में यहां से नहीं हटाया। आइसोगैमीट एनाइसोगैमस से हटा दिया, डायग्राम से हटा दिया, यहां से नहीं हटाया, एग्जाम्पल में लिखा है अभी भी ग्रीन एल्गी के, तो अगर ऑप्शन आएगा तो हमें लगाना पड़ेगा। नाउ वी से आप सब समझ ही गए होंगे, वही कॉलोनियल वाला वॉल्वॉक्स जिसमें ऊ गैमस कंडीशन में भी इसका एग्जाम्पल लिखा था, अपने फेविकॉल याद आ रहा हो, और इसका एग्जाम्पल कॉलोनियल में भी लिखा था। और सी से है कारा, कारा, राइट। आप चाहें तो जब ये लिखें तो यहीं पर वो फिलामेंटस आइसोगैमस एक साथ लिख लो ताकि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हाथ के हाथ एक साथ सब याद हो जाए। एनीवेज नाउ डी, ब्राउन एल्गी में पहला है, ये आप नहीं कर पाओगे गैस क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, डिक्टियोटा, डिक्टियोटा। नाउ एस से जो है स्टूडेंट्स वो बहुत इंटरेस्टिंग है, सरगासम। क्यों इंटरेस्टिंग है,
सरगासम, याद रखना सरगासम, सरसों से याद रख सकते हो, सरगम से सरगासम, सरगम सरगासम सरगासम। नाउ ई से है एक्टोकार्पस, हम सब देखेंगे अभी। एल से है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका तो हम डायग्राम भी देखेंगे, लैमिनेरिया, लैमिनेरिया। और एफ से आप समझ गए होंगे फ्यूकस, फ्यूकस रेड एल्गी, नहीं सॉरी मैंने एक चीज गड़बड़ लिख दी थी, मैंने पिछली बार रेड लिख दिया था फ्यूकस को, फेविकॉल जब लिखवाया था तो फ्यूकस वॉल्वॉक्स दोनों में ऊ गैमस था, वहां मैंने फ्यूकस को रेड लिख दिया था, आप उसको करेक्ट कर लेना, वो ब्राउन है। ओके सो फ्यूकस इज अ ब्राउन एल्गा, फ्यूकस को हमने लिखा था जहां हमने ऊ गैमस कंडीशन की बात की थी। सरगासम बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, इतने बड़े बड़े मीटर्स लंबे होते हैं ये, कि जहां ये समुद्र में रहते हैं सी में, वहां से जहाजों को शिप्स को जाना मना है, क्योंकि अगर ये शिप्स पर चिपक जाते हैं नीचे तो ये इवन इतने नंबर्स में चिपक जाएंगे, इतने बड़े बड़े होते हैं कि शिप डूब तक सकता है। तो सरगासम सी हम पढ़ेंगे इसके बारे में बाद में। एनीवेज नाउ पीजी, पी से हमें क्या याद रखना है, पी से हमें याद रखना है पोरफायरा, पोरफायरा राइट, और एक पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया। और जी से ये दो नाम जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जहां पर मैं आपको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ाऊंगी, नहीं सॉरी जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस पढ़ाऊंगी, वहां मैं एक जेल का नाम बताऊंगी, अगर आपने सुना है वाला, अगर नहीं, अगर उसका नाम है अगर, जिसमें बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं, वहां हम इसकी बात करेंगे। तब मैं आपको कहूंगी कि ये अगर जो है ये ऑप्टेन किया जाता है एक रेड एल्गी से, मैं उन्हीं दो रेड एल्गी का नाम लिखने जा रही हूं, पहला है ग्रेसी लहरिया और दूसरा है जेलीडियम, जेलीडियम। सो दीज आर ऑल द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट एल्गी ऑफ डिफरेंट क्लासेस जो हमें अच्छे से याद होने चाहिए। क्लबाइडोमोनास यहां पर अभी भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सो इट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट दिस। नाउ स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन के बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें लिखना है अबाउट यू नो एल्गी, एंड दैट इज एल्गी के सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स ऑफ एल्गी। स्टूडेंट्स जनरली हम पढ़ेंगे भी लाइफ साइकिल में, जो एल्गी के सेक्स ऑर्गन्स हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं। सेक्स ऑर्गन मतलब जिसमें गैमीट बनेगा, सो वो यूनिसेल्यूलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं, नॉन जैकेटेड। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। ग्रीन एल्गी की लिस्ट में देखो लास्ट में क्या लिखा है, ये कारा। इसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टी सेल्यूलर हैं एंड जैकेटेड हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। सो इसके सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड। नाउ लाइफ साइकिल कैसी होती है एल्गी की। स्टूडेंट्स लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी की अगर हम बात करें एक जनरल वे में, तो ग्रीन एल्गी हम देखेंगे, रेड एल्गी हम देखेंगे, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है मोस्टली, मतलब ज्यादातर स्टेजेस हैप्लोइड होती है, एन होती है, जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड बनता है, फिर उसमें मियोसिस हो जाता है और उस कारण से फिर अडल्ट इसका हैप्लोइड ही होता है। सो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है मोस्टली, मैं लिख देती हूं यहां ग्रीन एंड रेड एल्गी में, चलो इसको हटा देते हैं अभी क्योंकि कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। मोस्टली आपसे क्वेश्चन आएगा तो हैप्लोन्टिक, और हैप्लोन्टिक तभी होती है, हम लास्ट चैप्टर में भी समझ चुके हैं, जब जाइगोट में मियोसिस होगा। जाइगोट तो बनता है हमेशा दो गैमेट के फर्टिलाइजेशन से, एन प्लस एन टू एन ही बनेगा, उसमें मियोसिस होगा तभी तो एन हैप्लोइड लाइफ साइकिल पॉसिबल है, एक्सेप्ट ब्राउन एल्गा। कुछ ब्राउन एल्गे हैं स्टूडेंट्स जिनमें डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है, जैसे फ्यूकस जो फेविकॉल में लिखा था ऊ गैमस कंडीशन है, फ्यूकस उसमें डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है, डिप्लोन्टिक। कुछ और होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे एक्टोकार्पस की बात करें उसमें हैप्लो डिप्लोन्टिक है, ये क्या है वो सब अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, आई विल टेल यू अबाउट एवरीथिंग। अभी एक मोटा मोटा याद रख लीजिए कि हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है, प्लीज नोट दिस।
अब आइए स्टूडेंट्स, ये हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े हैं एल्गी के. अब हमें पता है कि तीनों क्लासेस के नाम हम जानते हैं, उनके एग्जांपल्स हम जानते हैं. अब हम तीनों क्लासेस को कंपेयर करके सारे फीचर्स को पढ़ेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो. लेट अस बिगिन विथ द थ्री क्लासेस ऑफ एल्गा. सो मैं यहां पर स्टार्ट करती हूं ग्रीन एल्गा या क्लोरोफाइसी. यहां लिख लेते हैं ब्राउन एल्गी, हम उसी ऑर्डर में पढ़ते हैं, पोर्चुगल यानी फियोफाइसी, और रेड एल्गी या रोडोफाइसी. ठीक है, अब हम देखते हैं इनका हैबिटेट. अब आप कहोगे मैम हैबिटेट तो आप बता चुके हो. बिल्कुल बता चुकी हूँ. अच्छा हाँ, एक पॉइंट अपन लिखना भूल गए, प्लीज प्लीज ऐड कर लीजिए उसको. ग्रीन में नहीं है, जनरल पॉइंट है. जब मैंने हैबिटेट लिखवाया है आपको एल्गी का, वहां पर टेरेस्ट्रियल लिखवाया था, प्राइमरली एक्वाटिक लिखवाया था, एसोसिएशन लिखवाई थी, बट ये और भी जगह मिलते हैं. जैसे गीला पत्थर अगर है, स्टोन, सॉइल में, वुड पे, यहां भी मिलते हैं. प्लीज इस पॉइंट को वहां पर नोट कर लीजिएगा. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हैबिटेट से. मैंने आपको बताया था कि मेनली एक्वाटिक है, पर एक्वाटिक में कहां कहां पे ग्रीन वाला फ्रेश में ज्यादा है या मेरीन में ज्यादा है, ब्राउन वाला कहां ज्यादा है, वो बात कर रहे हैं अपन. ऑफकोर्स सभी प्राइमरली एक्वाटिक है. ग्रीन एल्गी जो है ये ज्यादातर फ्रेश वाटर में मिलता है, हार्डली 10% फॉर्म्स हैं जो मेरीन वाटर में मिलते हैं, बाकी ब्राउन और रेड दोनों मेरीन में ज्यादा मिलते हैं. तो मैं यहां पर लिख देती हूं दैट दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर, मोस्टली फ्रेश वाटर. जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, वो सब ऐसे ही हैं, और 10% मेरीन फॉर्म्स होते हैं मेरीन. जबकि अगर हम ब्राउन एल्गी की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये मोस्टली मेरीन होते हैं. कहानी उल्टी हो गई, मोस्टली मेराइन, सी वाटर में मिलते हैं. और रेड एल्गी की अगर हम बात करें तो ये भी मोस्टली मेराइन होते हैं, दे आर ऑल्सो मोस्टली मेराइन लाइक ब्राउन. हालांकि इसमें आपको एक एग्जाम्पल आना चाहिए फ्रेश वाटर का, वो पूछते हैं. एक फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल लिख देती हूँ, फ्रेश वाटर फ्यू होते हैं. इसका नाम मैंने बड़े बढ़िया ढंग से आपको याद करवाती हूँ. गुड न्यूज़ एक पिक्चर आने वाली है अक्षय कुमार करीना कपूर की, उसमें बत्रा कपल है, तो बत्रा का स्पर्म, लेकिन वो गांव का एक कपल है दूसरा वाला, तो वो बत्रा को स्पर्म बोलता है, बत्रा को स्पर्म. और थोड़ा संस्कृत मिला दीजिए तो संस्कृत में हर चीज़ को स्पर्मम ऐसे बोल देते हैं. सो बत्रा को स्पर्मम ये एग्जाम्पल है. बत्राको स्पर्मम. अभी विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, मेरी तो संस्कृत फेवरेट थी, सबसे ज्यादा मार्क्स आते थे मेरे हिंदी से भी ज्यादा, लेकिन ये याद रखने का तरीका है. तो बत्राको स्पर्मम, एक्चुअली ये बेट्राको स्पर्मम है, बट इसको हमने कैसे याद किया, बत्रा का स्पर्म यानी बत्राको स्पर्मम. ये फ्रेश वाटर है, बाकी मोस्टली ये मेरीन होते हैं. नाउ कौन सा है जो ठंडे इलाके में मिलता है, कौन सा है जो वार्मर एरियाज में मिलता है. एनसीईआरटी में सिर्फ रेड एल्गी के बारे में लिखा है कि वो वार्मर एरियाज में ज्यादा मिलता है, बट इन जनरल अगर हम बात करें तो ग्रीन एल्गी सब जगह मिलता है, कोल्डर एंड वार्मर रीजन्स दोनों जगह पे मिलता है. ये जनरली कोल्डर में मिलता है, और रेड एल्गी मोस्टली वार्म वाटर में मिलते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट, वार्मर वाटर्स या वार्मर रीजन्स में. नाउ क्योंकि हम हैबिटेट की बात कर रहे हैं, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स कि अगर समुद्र की डीपेस्ट लेयर की बात करें तो वहां पर इनमें से कौन सा एल्गी मिलने की संभावना है. देखिए इन्हें फोटोसिंथेसिस करना है, यानी इन्हें सनलाइट की जरूरत है, और जो डीपर लेयर्स ऑफ वाटर है, गहराई है पानी की, वहां पर सनलाइट ईजिली नहीं जा पाती है. तो इनमें से कौन सा मिलेगा. अगर आपने लास्ट चैप्टर समझा हुआ है या फोटोसिंथेसिस में भी मैंने बताया था तो आप इसका आंसर दे दोगे, ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ा है तो दे दोगे. मैंने आपको क्या बताया था कि सनलाइट में ये कलर्स हैं, ठीक है, ये सबसे कम वेवलेंथ है, ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ है. और मैंने आपको बताया था जितनी लेस वेवलेंथ होगी
उतना डीपर पेनिट्रेशन होगा, पढ़ा था अपन ने ये, ठीक है। यानी ब्लू और ग्रीन लाइट ज्यादा डेप्थ तक घुस सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है, भेद सकती है बजाय रेड लाइट के। तो जो रेड एल्गी है, रेड एल्गी का ये मतलब नहीं है कि वो रेड लाइट ऑफ रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसका मतलब है वो रेड लाइट तो रिफ्लेक्ट करते हैं इसलिए दिख लाल रहे हैं, लेकिन लेते कौन से हैं, ब्लू और ग्रीन। बाकी जो हैं ये रेड लाइट जो सरफेस पर ही आती है केवल, वेवलेंथ ज्यादा है पेनिट्रेशन कम है, उसे ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं और फिर दिखते ग्रीन और ब्राउन है। तो ये जनरली सुपरफिशियल लेयर्स में मिलेंगे, और जो रेड एल्गी है वो सुपरफिशियल में तो मिलेंगे ही लेकिन ग्रेट डेप्थ पर भी मिलेंगे। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट फाउंड इन सुपरफिशियल लेयर ऑफ वॉटर, सुपरफिशियल लेयर्स एज वेल एज एट ग्रेट डेप्थ इन वॉटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे गहराई में यही मिलेंगे, ग्रेट डेप्थ ऑफ वॉटर वेयर लिटिल लाइट, लाइट मीन सनलाइट, लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। आया समझ में, पेनिट्रेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुपरफिशियल पे तो सब मिलेंगे लेकिन ग्रेट डेप्थ ऑफ वॉटर पे हमें रेड एल्गी मिलते हैं। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके पास जो पिगमेंट है, हम पढ़ेंगे फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट, वो एब्जॉर्ब करता है ब्लू ग्रीन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो डेप्थ तक पहुंचती है। दिस इज अबाउट द हैबिटेट। नाउ हैबिटेट, मैं इस पॉइंट को, एक सेकेंड हम डस्टर चेंज करते हैं, मैं इस पॉइंट को यहां से इरेज कर देती हूं, बट ये आप जरूर नोट्स में ऐड कर लेना, मॉइस्ट स्टोन सॉइल एंड वुड। अब देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी कैसी हो सकती है। सो सेकेंड इज बॉडी, और इनकी बॉडी कैसी है, थैलस है, नॉन डिफरेंशिएटेड इनटू रूट लीव्स एंड स्टेम। सो थैलस या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। नाउ ये बड़ा आसान होगा आपके लिए, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि ग्रीन एल्गी जो है उसमें जो थैलस है या बॉडी जो है वो या तो यूनिसेल्यूलर हो सकती है, सिंगल सेल्ड की बनी हुई, अभी हमने एग्जांपल देखे थे जिन्हें अब प्रोटिस्टा में क्लासिफाई कर दिया है, बताइए कौन से थे। बिल्कुल सही, क्लमाइडोमोनास मोटाइल है ये, और क्लोरेला जो नॉन मोटाइल है बट यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं, जबकि मल्टी सेल्यूलर फॉर्म्स भी मिलते हैं। अब मल्टी सेल्यूलर कैसे कैसे हो सकते हैं, देखो कई तरीके के हो सकते हैं, बना के दिखाती हूं आपको। मल्टी सेल्यूलर में पहला ए, हो सकता है कई सारे सेल्स ऐसे इकट्ठे हो गए हो, लाइक दिस फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बन गया। सो मल्टी सेल्यूलर में फिलामेंटस फॉर्म्स हो सकते हैं, बताइए कौन से एग्जांपल्स पढ़े, अब तो रट जाना चाहिए। बिल्कुल, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, ठीक है। अब और कैसा हो सकता है, कॉलोनीज बन सकती हैं, जैसे ऐसे ये कॉलोनी है, ये डॉटर कॉलोनीज बनती हैं, ये सब खूब सारे एक साथ एक कॉलोनी में है। सो मल्टी सेल्यूलर ही तो हैं, बहुत सारे एक साथ हैं पर कॉलोनी बनाकर हैं। इसका एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, वॉलवॉक्स पढ़ा था, राइट। नाउ ये हम ऑलरेडी जानते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। अब आप इसको नोट डाउन करो फिर हम आगे देखते हैं, एक बार इसको नोट डाउन करिए। अब क्लमाइडोमोनास की जैसे हम बात करें तो ऐसा रहता है, यूनिसेल्यूलर है, हम पढ़ेंगे इस तरह से कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है या न्यूक्लियस होता है, और दो इक्वल साइज के ऐसे फ्लैजेला निकलते हैं। क्लोरेला जो है उसमें फ्लैजेला नहीं होते हैं, ये मैंने क्लमाइडोमोनास बनाया है। फिलामेंटस मैंने आपको दिखाया इस तरह से, ये लाइक दिस ऐसे फिलामेंटस, हम देखेंगे और फॉर्म्स, या कॉलोनियल फॉर्म मैंने आपको बताया, ये डॉटर कॉलोनीज हैं, ये भी कई सारे सेल्स की बनी हुई हैं,
कॉलोनीज में है ये, और फिर और भी बहुत सारे हैं, ये सब एक कॉलोनी के फॉर्म में रह रहे हैं, इस तरह से पूरे कॉलोनी के फॉर्म में है ये सब। अब हम बात करते हैं ब्राउन एल्गा में क्या सिचुएशन है विथ रिस्पेक्ट टू थैलस फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, ब्राउन एल्गा जो है इनमें कभी यूनिसेल्यूलर फॉर्म्स मिलते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मिलते हैं और उसको हमने प्रोटेस्टा में क्लासिफाई किया है, ऐसा नहीं है, यहां मिलते ही नहीं है। सो यूनिसेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें मिलेगी ही नहीं, एब्सेंट है टोटली। रेड में भी एब्सेंट होती है, पर वहां पर हम एक एक्सेप्शन पढ़ेंगे। नाउ अगर हम इसमें मल्टी सेल्यूलर की बात करें तो स्टूडेंट्स, मल्टी सेल्यूलर में भी आपने देखा होगा यहां पे स्पायरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, इसका फिलामेंटस फॉर्म है और अनब्रांच्ड फिलामेंट है। यहां पे अनब्रांच्ड फिलामेंट नहीं मिलते हैं, सो मैं यहां लिख देती हूं अनब्रांच्ड फिलामेंटस बॉडी इज ऑल्सो एब्सेंट। ऐसे फॉर्म्स भी नहीं है, ये भी नहीं है, जबकि यूनिसेल्यूलर और अनब्रांच्ड फिलामेंट्स वहां मिल रहे हैं ग्रीन एल्गा में। यहां पे कॉलोनियल फॉर्म्स भी एब्सेंट है, एब्सेंट कॉलोनियल बॉडी या कॉलोनियल फॉर्म्स, जैसे वॉल्वॉक्स वहां था वो भी यहां नहीं है। फिर आप कहोगे क्या है, है ना, फिलामेंट्स हैं जो ब्रांच्ड हैं। सो यहां पे क्या मिलते हैं, ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स, फिलामेंटस फॉर्म्स ये मिलते हैं। यूनिसेल्यूलर तो मिलते ही नहीं है, मल्टी सेल्यूलर में भी ना कॉलोनीज मिलेंगी ना अनब्रांच्ड, हाँ ब्रांच्ड फिलामेंट्स मिलते हैं। अब ब्रांचिंग कैसे हो सकती है, देखो बहुत सिंपल है इसको समझना। दो तरह की ब्रांचिंग मिल सकती है, यहां बना देती हूं मैं वन एंड टू। अब मैं इसको यहां लिख देती हूं, आपको दिखेगा नहीं स्पेस अच्छे से। तो मैं इस ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स की बात कर रही हूं, ये दो टाइप के हो सकते हैं, यहां बना दें अपन ऐसे करके ब्रांच्ड फिलामेंटस, या तो सिंपल ब्रांचिंग होगी, बिल्कुल यू नो इजी इजी सी सिंपल सी ब्रांचिंग होगी, जैसे कि एक्टोकार्पस में होती है, और ये एनसीईआरटी में दिया है तो हमें याद होना चाहिए, सिंपल ब्रांच्ड एक्टोकार्पस। आपको याद है इसकी, अभी नहीं याद हुआ होगा, हमने इसकी ट्रिक लिखी थी दो सेल्फी, तो सेल्फी में जो ई था वही बात कर रही हूं मैं यहां पे, एक्टोकार्पस। इसकी लाइफ साइकिल भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है स्टूडेंट्स, डिप्लो हैप्लोन्टिक होती है, हम बात करेंगे। और कुछ होते हैं जिनमें बहुत ब्रांचिंग होती है, एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होती है, पैरेनकाइमेटस फॉर्म्स कहते हैं, पैरेनकाइमेटस। सेल्फी का फ्यूकस इसमें आ जाएगा, फ्यूकस। देन इसमें आएगा सेल्फी का लैमिनेरिया, लैमिनेरिया। सेल्फी का सरगासम, सरगासम, याद है आपको सरगम से याद कराया था, सरगासम। और इसमें आते हैं मैक्रोसिस्टिस, हालांकि वो ट्रिक में नहीं थे, मैक्रोसिस्टिस। स्टूडेंट्स ये सब जो हैं ये केल्प्स हैं, केल्प मतलब मेरीन फॉर्म्स हैं जिनकी मैसिव प्लांट बॉडीज हैं अप टू 100 मीटर, जैसा मैंने आपको बताया था अप टू 100 मीटर। और ये सब बहुत भयंकर ब्रांचिंग शो करती हैं, तो मैं यहां लिख देती हूं प्रोफाउज ब्रांचिंग शो होती है, प्रोफाउज ब्रांचिंग। फिलामेंट्स ही हैं बट प्रोफाउज ब्रांचिंग, अभी आपको मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगी, राइट। अब हम बात करते हैं रेड एल्गी के अंदर क्या सिचुएशन है विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी स्ट्रक्चर। नाउ रेड एल्गी में थैलस, स्टूडेंट्स इसमें भी यूनिसेल्यूलर फॉर्म्स एब्सेंट होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है जो हमें आना चाहिए, हालांकि जनरली नीट में नहीं पूछते हैं बट अब एग्जाम्स भी मर्ज हो गए हैं तो बिल्कुल पूछे जा सकता है। और एक सेकेंड, इसका जो टिपिकल एग्जाम्पल है वो है पोरफायरीडियम, ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन पोरफायरीडियम। वैसे एब्सेंट है यूनिसेल्यूलर फॉर्म्स, तो यूनिसेल्यूलर फॉर्म्स अगर कोई पूछेगा किस एल्गी में कॉमनली मिलते हैं, ग्रीन एल्गी में। अगर पूछे टोटली एब्सेंट किस में है और ब्राउन और रेड दोनों दिया है तो आंसर ब्राउन लगाना, क्योंकि वहां एक भी एक्सेप्शन तक नहीं है, जबकि यहां पर एक
एक्सेप्शन दिया हुआ है। नाउ यूनिसेल्यूलर के बाद हम आते हैं इसमें, ये तो एब्सेंट है, मल्टी सेल्यूलर फॉर्म्स। मल्टी सेल्यूलर की अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल तो वही फ्रेश वाटर में लिखवाया था आपको, बत्राकोस्पर्मम। तो एक एग्जाम्पल हो गया इसका बत्राकोस्पर्मम। अब आप एक बार इसको नोट करिए, फिर मैं यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बताऊंगी। मैं आपको ब्रेक दे रही हूं क्योंकि उसके बारे में कुछ खास मुझे आपको बताना है, प्लीज नोट दिस। नाउ स्टूडेंट्स, इस बेट्राकोस्पर्मम के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। रेड एल्गी नाम से तो क्या लगता है सारे लाल कलर के होंगे, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो भी आपको बताऊंगी। ऑलिव ग्रीन से लेकर और अलग अलग शेड्स के होते हैं, ये ब्राउन शेड्स तक होते हैं। क्यों वो वी विल रीड। सो ये जो रेड एल्गा है बेट्राकोस्पर्मम स्टूडेंट्स, ये ऑलिव ग्रीन कलर का है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और एक और एग्जाम्पल जो मुझे आपको याद कराना है, मल्टी सेल्यूलर रेड एल्गा ही है, दैट इज हर्वेयला। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कलरलेस रेड एल्गा है। कलरलेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर ये कलरलेस है मतलब इसमें पिगमेंट नहीं है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है, यानी ये सनलाइट को ट्रैप नहीं कर सकता, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। इसका मतलब सारे तो क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक है, बट ये नहीं है, तो फिर खाना कैसे खाएगा स्टूडेंट्स। ये पैरासिटिक के फॉर्म में रहता है, दूसरे एल्गा पे पैरासाइट की तरह रहता है और उससे न्यूट्रिशन खींचता है। सो दिस इज पैरासिटिक ऑन अदर एल्गा और एल्गी। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेड एल्गा में, मल्टी सेल्यूलर ही है। एक तो पैरासिटिक एल्गा का नाम पूछते हैं और ये कलरलेस है, हालांकि क्लासिफाइड है रेड एल्गा में ही। और ये जो है ये फ्रेश वाटर में रहता है, मैं फिर से लिख देती हूं, वरना जो रेड एल्गा है वो मोस्टली मेरीन है, बट दिस इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, इट्स अ फ्रेश वाटर रेड एल्गा और ऑलिव ग्रीन कलर का है, राइट। अब आइए हम, आप इसको नोट करिएगा, फिर हम एनसीईआरटी का डायग्राम जो अब मैं बता रही हूं, वो तीनों क्लासेस के जो एग्जाम्पल्स हैं उनके क्या डायग्राम है, क्योंकि अब हम थैलस ऑर्गेनाइजेशन देख चुके हैं, मोटा मोटा आइडिया लगेगा। हालांकि उस डायग्राम को मैं फिर लूंगी जब उसके फीचर्स पढ़ाऊंगी, और क्या अपडेशन है, क्या चेंज है उसके साथ देखेंगे। प्लीज नोट दिस। आइए स्टूडेंट, अब हम एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं, फिगर 3.1। और आपको याद करवा दूंगी मैं ट्रिक्स के साथ, आप कभी नहीं भूलेंगे। ये पुरानी एनसीईआरटी का पेज है, इसके बाद हम नई वाली का देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने ग्रीन एल्गी ऊपर बनाए हैं, ठीक है। ये देखो, ये वॉल्वॉक्स बनाया है, ये क्लमाइडोमोनास है और ये कारा है। अब जो नई एनसीईआरटी में अपडेशन है, क्लमाइडोमोनास को हटा दिया गया है क्योंकि वो प्रोटेस्टा में काउंट होता है, और आइसोगैमस कंडीशन और एनआइसोगैमस से भी क्लमाइडोमोनास का नाम हटा दिया, पर एग्जाम्पल्स में क्लमाइडोमोनास का नाम लिखा हुआ है, और कारा को भी हटा दिया है। कारा बिल्कुल एक मल्टी सेल्यूलर, डेफिनेटली एक ग्रीन एल्गा है, लेकिन इसका डायग्राम 12th के एनसीईआरटी में भी है, तो यहां से अभी हटा दिया, और इन दोनों की जगह पर एक डायग्राम ऐड किया है विच इज यूलोथ्रिक्स। वन सेकेंड, वेयर इज द पॉइंटर, ये रहा। इन दो की जगह ये देखिए, एक दो तीन पहले थे, अब सिर्फ दो हैं। बाकी जो तीनों डायग्राम्स हैं वो बिल्कुल सेम है ब्राउन एल्गी के, और रेड एल्गी के दो डायग्राम्स बिल्कुल सेम है, राइट। तो आइए अब हम इस न्यू वाले डायग्राम्स को डीकोड करते हैं। नाउ ये है ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स, ग्रीन एल्गी नीचे लिखा हुआ है लेबलिंग में। इसमें पहला इन्होंने दिया है ए जो है, दिस इज वॉल्वॉक्स। देखो याद करना बताती हूँ, वॉल्वॉक्स हमने पढ़ा था कॉलोनियल है, ये देखिए ये डॉटर कॉलोनीज हैं लेबलिंग में, दीज आर द डॉटर कॉलोनीज, और फिर ये एक पूरी बनेगी, ये पेरेंट कॉलोनी है। यहाँ लिखा हुआ है दिस इज डॉटर कॉलोनीज एंड दिस इज पेरेंट कॉलोनी। अब देखो इसको याद करने का तरीका, वैसे तो कॉलोनी जैसा दिख ही रहा है, एग्जाम्पल याद करने का भी तरीका बताती हूँ। वी बन रहा है, ये देखो वी वॉल्वॉक्स, हो गया याद, कभी नहीं गड़बड़ होगी। चलो अब ये दोनों हटा दिए गए हैं, इसकी जगह यूलोथ्रिक्स बनाया है। यहां देखिएगा, ये रहा यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स कैसा है, ऐसा डायग्राम बनाया है, लाइक दिस। इस तरह से बहुत सारे सेल्स हैं, फिलामेंटस फॉर्म का है ये, ऐसा।
इसको याद करने का तरीका बताती हूँ, यूलोथ्रिक्स को। यू, ये देखिए, ये यू हो गया याद, यूलोथ्रिक्स। कैसा है ये? फिलामेंटस फॉर्म है, फिलामेंटस। और यूलोथ्रिक्स में कैसे गैमीट्स हैं वो भी अब हमने देख लिए, आइसोगैमीट्स हैं, सिमिलर गैमीट्स हैं, और वो भी मोटाइल आइसोगैमीट्स हैं। नाउ वॉल्वॉक्स में, फ्यूकस और वॉल्वॉक्स में हमने पढ़ा था ऊगैमस कंडीशन भी है, तो मैं यहां लिख देती हूं, कॉलोनियल है और ऊगैमस है। अब ये जो तीन डायग्राम्स हैं ये है ब्राउन एल्गी के। देखो ब्राउन एल्गी में अभी हमने पढ़ा था, ये देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है, यूनिसेल्युलर फॉर्म एब्सेंट है, अनब्रांच फिलामेंट एब्सेंट है, कॉलोनी एब्सेंट है, ब्रांच फिलामेंट्स हैं जिनमें से एक्टोकार्पस में सिंपल ब्रांचिंग है, और पैरेन्काइमेटस का मतलब ही है स्टूडेंट्स प्रोफाउज ब्रांचिंग है। आइए देखते हैं, समझते हैं। इसमें डायग्राम में हमारे को लैमिनेरिया का डायग्राम है, फ्यूकस का डायग्राम है, और डिक्टियोटा का डायग्राम है। यहाँ भी हम एग्जाम्पल डिक्टियोटा ऐड कर सकते हैं। देखिए कैसे याद करना है, लैमिनेरिया मतलब लैमिनेरिया, लैम्प से आप याद कर सकते हो, ये है लैमिनेरिया। किससे याद कर सकते हो? लैम्प से, इज इक्वल टू लैम्प। देखो बिल्कुल लैम्प जैसा दिखेगा, ये बना के दिखाती हूं आपको मैं, ये रहा, पहले लालटेन ऐसी होती थी, लैम्प जैसा लैमिनेरिया। लैमिनेरिया कहां पड़ा था याद है आपको? जब हमने बात की है कैल्प की, बहुत बड़े बड़े ह्यूज साइज हैं ये। नाउ लैमिनेरिया के बाद में अगला डायग्राम जो है वो है फ्यूकस का। याद करने का तरीका बताती हूँ, कैसे पहचानोगे डायग्राम, बड़ा आसान है। कांटा मालूम है ना, फोर्क, या शिवजी का धनुष, धनुष नहीं त्रिशूल जो होता है, फोर्क, इसको फोर्क से याद रखो। फोर्क, फोर्क कैसा होता है? ऐसा होता है ना, पिज्जा के साथ, पिज्जा नहीं, पास्ता के साथ आता है। यहाँ देखिए ये ऐसा ही तो है बिल्कुल, ये देखो, एक दो और तीन, फोर्क बन गया, वन टू थ्री, ये फोर्क जैसा। तो F से फोर्क, F से फ्यूकस, L से लैम्प, L से लैमिनेरिया। अब डिक्टियोटा कैसे याद रखोगे? डिक्टायोटा, फिक्स डिपॉजिट याद रख लो, बैंक में कराते हैं ना फिक्स डिपॉजिट, तो F मतलब फ्यूकस, ये हो गया डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट। ये और ज्यादा ब्रांच्ड है, ये देखिए, ये देखिए इसमें कितनी ब्रांचिंग्स हैं, ये देखो ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं, वो अभी मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, जब हम इसके स्ट्रक्चर्स को फिर से बनाएंगे। ये देखिए लाइक दिस, राइट? सो फिक्स डिपॉजिट, तो याद रखना लैम्प जैसा लैमिनेरिया, फोर्क जैसा फ्यूकस, और फिक्स डिपॉजिट यानी अगला डिक्टियोटा है डी से। देख रहे हो ना आप कैसे प्रोफाउसली ये ब्रांच्ड हैं। नाउ ये जो है दिस इज अबाउट रेड एल्गी। रेड एल्गी में भी यूनिसेल्यूलर फॉर्म्स एब्सेंट हैं, एक हालांकि हमने इसका एक्सेप्शन पढ़ा है विच इज पोरफायरिडियम। अब ये जो है दिस इज पोरफायरा, पोरफायरा, अब इसको कैसे याद करोगे? हीमोग्लोबिन आप जानते हो, हीमोग्लोबिन में पोरफायरिन रिंग होती है, पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग, रिंग रिंग मतलब कुछ कुछ गोल सा, ये देखो ये डायग्राम कुछ कुछ गोल सा ही तो है, रिंग जैसा ही तो है, तो रिंग से याद रखना, किसकी रिंग? पोरफायरिन रिंग। सो पोरफायरिन मतलब पोरफायरा, कितना इजी है याद करना, हो गया। अब एक और रेड एल्गी का नाम पढ़ते हैं, दिस इज पॉलीसाइफोनिया। मैंने आपको रेड एल्गी में एक्टोकार्पस और हर्वेला लिखवाया है, बट ऑफकोर्स उसमें पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ग्रैसिलेरिया, जेलीडियम, वो सब भी अभी हम लिख लेंगे। अब इसको कैसे याद रखोगे? पॉली का मतलब ही होता है मैनी, यहां हाईली ब्रांच्ड है ये, या पॉलिस, पॉलिस, पुलिस, पुलिस, और पुलिस के बहुत सारे स्टेशंस होते हैं, ये देखिए ये कितनी सारी ब्रांचिंग्स हैं इसमें, ब्रांच ही ब्रांच है, तो ये जो हाईली ब्रांच्ड टाइप का दिखेगा रेड एल्गी, ये रहा पॉली, पॉली मींस मैनी, हाईली ब्रांच्ड, दिस इज पॉली, पॉली मींस मैनी, या पॉलिस, पॉलिस से भी याद रख सकते हो, पुलिस, पुलिस, पुलिस के बहुत सारे स्टेशंस, पुलिस।
एक बार इसको देखो फिर हम आगे बढ़ते हैं. राइट स्टूडेंट्स, हालांकि इन डायग्राम्स पे हम दोबारा आएंगे जब हम इनके जो लेबलिंग है उसको समझेंगे. अभी मैंने लेबलिंग डिस्कस नहीं करी है, इन नामों को नहीं बताया है कि इनका क्या मतलब है. अभी आपको सिर्फ ये डायग्राम याद कराया है क्योंकि आज हमने क्लासेस देख ली हैं. तो आज की क्लास में हमने देखा कि एल्गी जो है वो प्लांट का लोएस्ट ग्रुप है, क्लोरोफिल बियरिंग है, फोटोसिंथेटिक है, सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर है, प्राइमरली एक्वाटिक हैं. हालांकि टेरेस्ट्रियल फॉर्म या मॉइस्ट सॉइल में, वुड में, स्टोन पर भी ये मिलते हैं, एसोसिएशंस होती हैं फंगस के साथ जैसे लाइकन या एनिमल्स लाइक स्लॉथ बियर के साथ. हमने समझा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में जूस्पोर, अनफेवरेबल कंडीशन में एकाइनीड, नॉन मोटाइल ए प्लानोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, पामेला स्टेज मिल सकती है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमीट का फ्यूजन होगा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस कैसा भी हो सकता है. हमने देखा कि अगर इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर कैसे भी हो सकते हैं, और मल्टीसेल्युलर में ये फिलामेंटस, कॉलोनियल या मैसिव प्लांट बॉडी कैल्प्स भी बना सकते हैं. हमने बात करी क्लासिफिकेशन की, मेन पॉइंट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो पिगमेंटेशन है. बट इन सभी क्लासेस में हम देखेंगे सेल वॉल डिफरेंट होगी, फ्लैजिलेशन यानी फ्लैजिला कितने हैं कैसे हैं वो सब भी डिफरेंट होगा, और रिजर्व फूड मटेरियल भी डिफरेंट होगा जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. हमने एग्जाम्पल के साथ तीनों क्लासेस के मेन मेंबर्स के एग्जाम्पल्स को लर्न किया, और हमने इन तीनों एग्जाम्पल्स में डिफरेंसेस देखे विथ रिस्पेक्ट टू हैबिटेट, with respect to whether they are found in colder or warmer areas, and with respect to their body or thallus organization. And we discussed a very important diagram of NCRT और उसमें क्या change हुआ है. Now next class में हम इन्हीं तीनों classes को और compare करेंगे with respect to their flagellation, cell wall, reserve food, chloroplast and various things. So hope to see you in the next class. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.